दोस्तों आज की डेट में यूट्यूब से एकदम से लोग आसानी से पैसा कमा रहे हैं, करोड़पति से करोड़पति बन रहे हैं। एक बार आप करोड़पति बन गए तो शादी की क्या ही टेंशन। तो हेलो भाई लोग, आज हम ऐसे यूट्यूबर के बारे में बताने वाले हैं जो यूट्यूब पर अपने टैलेंट के दम पर करोड़पति बने और हाल ही में नई नई शादी किए हैं। इनमें से कुछ तो कई सालों से रिलेशनशिप में थे लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और फिर फाइनली शादी करनी पड़ी, और शादी भी ऐसी कि मंदिर में जाकर शादी करना पड़ा, ना लड़की की फैमिली साथ में और ना लड़के की, या यूं कहे कि सीधा भागकर शादी करनी पड़ी थी। तो भाई चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं 2022-23 में शादी करने वाले इन करोड़पति यूट्यूबर की लव लाइफ के बारे में। नंबर वन, मिथपथ। हाल ही में फेमस यूट्यूबर मिथिलेश पाटकर ने अपनी गर्लफ्रेंड उर्मिला वेकर से शादी कर ली है, जिसकी दो तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की है। जानकारी के लिए बता दें कि मिथिलेश सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर है, यूट्यूब पर उनके 10 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मिथपथ नाम से फेमस यूट्यूबर न केवल यूट्यूब बल्कि इंस्टा पर भी काफ़ी पॉपुलर हैं। इंस्टा पर उनके 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं उनकी पत्नी उर्मिला भी यूट्यूब और इंस्टा पर एक समान रूप से काफ़ी पॉपुलर हैं। फेमस यूट्यूबर मिथिलेश पाटकर, जो मिथपथ के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड उर्मिला वेकर से शादी कर ली है। मराठी रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधे कपल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वेडिंग फोटोज शेयर कर शादी की जानकारी दी है। नंबर दो, सबा इब्राहिम की शादी खालिद नियाज उर्फ सनी संग हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने स्मार्ट दिखने वाला सनी आखिर है कौन? सबा और सनी पिछले 7 सालों से रिलेशनशिप में हैं। इस बात की जानकारी खुद सबा ने अपने YouTube चैनल पर दी थी। सबा ने बताया था कि सनी ने 1 साल पहले ही उनके कहने पर दुबई में अपनी नौकरी छोड़ी थी। सबा के अनुसार वो दुबई में सेटल नहीं होना चाहती थी, उन्हें परिवार के साथ ही रहना था, इसलिए उन्होंने सनी को नौकरी छोड़ने के लिए कहा था। सनी एक बिजनेसमैन है। दोनों की शादी की खूब तस्वीरें वायरल हुई थी, जिनमें शोएब और दीपिका दोनों बेहद इमोशनल भी नजर आए थे। नंबर थ्री, फेमस यूट्यूबर मनोज दे को कौन नहीं जानता। फेमस यूट्यूबर मनोज दे आज जाना माना नाम है। अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी दम पर सोशल मीडिया के जरिए खास पहचान बनाई है। हाल ही में उन्होंने अचानक शादी करके सभी फैंस को चौंका दिया है। मनोज दे ने अपनी गर्लफ्रेंड ज्योति महतो से बंगाली परंपरा और रीति रिवाज से शादी कर ली है। दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बता दें कि मनोज झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, जिनके पिता साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे और उनकी मदद करने के लिए ट्यूशन पढ़ाते थे। हालांकि यूट्यूब पर पिछले 3-4 सालों में मनोज दे लोगों का दिल कुछ ऐसा है कि करोड़ों के मालिक बन गए हैं। मनोज दे ने अपनी गर्लफ्रेंड ज्योति महतो के साथ 7 फेरे लेकर उन्हें हमेशा के लिए अपना बना लिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें वह बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। दोनों की दुल्हा दुल्हन के जोड़े में सजे हुए बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। ट्रेडिशनल बंगाली फैंस को खूब पसंद आ रहा है। जहां मनोज दे गोल्डन कलर का कुर्ता और रेड कलर की धोती पहनी है, तो वहीं ज्योति पीले रंग की साड़ी में नजर आई। बता दें कि ज्योति खुद भी एक पॉपुलर ब्लॉगर हैं, जिनके वीडियोस को फैंस खूब पसंद करते हैं। नंबर फोर, हनी शर्मा। हनी शर्मा एक मशहूर एक्टर, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। दोस्तों, हनी शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत इलविश यादव और स्वैगर शर्मा के साथ की थी। फिर कुछ समय तक वो उनके साथ काम करते रहे। फिर जून 2017 को हनी ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। शुरू इनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हनी लगातार काम करते रहे, धीरे धीरे इनको लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलने लगा और आज इनके इस चैनल पर 2.5 मिलियन से लगभग सब्सक्राइबर हैं। इसके बाद हनी ने अपना व्लॉग चैनल भी शुरू किया। इस चैनल पर 2 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, हनी शर्मा का रियल नेम शुभम शर्मा है, जो कि गुरुग्राम हरियाणा इंडिया के रहने वाले हैं। ये भारत के लोकप्रिय यूट्यूबर कॉमेडियन हैं। हनी शर्मा की शादी पूजा चावला से हुई है, जो पहले से ही रिलेशनशिप में थे। पूजा चावला हनी की जीएफ थी, जिससे दिसंबर 2022 में शादी की। नंबर फाइव, वर्षा थापा।
वर्षा थापा एक यूट्यूबर ब्लॉगर हैं जिसके यूट्यूब पर 5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। वर्षा थापा देहरादून की रहने वाली है। ये मुख्यतः फैशन, ट्रैवल और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। इन्होंने हाल ही में नीरज से शादी की है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।